आपका जो पॉलिटिकल करियर है एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से थोड़ा सा सेंटर की तरफ चला गया है, काफ़ी सेंटर की तरफ चला गया, और आगे तो नहीं जाएगा? एक तो मैं सर इसको पॉलिटिकल कैरियर नहीं कहता हूँ, पॉलिटिकल जर्नी जर्नी कहता के हूँ, क्योंकि कैरियर जब हम कहते हैं तो उसमें जो है ना सफलता और असफलता वो ज़्यादा डोमिनेट करती है, नैतिकता और अनैतिकता, सही गलत वो कहीं छुप छुप जाता है। मतलब फिर ना वो वाला जो फ्रेज है ना कि युद्ध और प्रेम में सब जायज़ है, सब जायज़ ठहराया जाने लगता है कैरियर के नाम पे, तो मैं इसको जर्नी कहता हूँ। दूसरा आपने कहा कि एक्सट्रीम लेफ्ट से सेंट्रिस्ट की तरफ, एक्सट्रीम तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट में भी हाँ नहीं थे क्योंकि हम सीपीआई के साथ थे और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर बने 2002 में। माइट बी आप सब लोग जानते होंगे कि एएसएफ जो है 1936 में बना था, आज़ादी से पहले, और उसका प्रेसिडेंशियल स्पीच जो है उन्होंने नेहरू जी ने दिया था, और देश भर के जो अलग अलग विचारों के लोग थे, इवन दक्षिणपंथी लोग भी जो थे उस वक्त के, वो एएसएफ के मेंबर थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि मैं भी अपने छात्र जीवन में एएसएफ का मेंबर था। तो एक्सट्रीम तो हम लेफ्ट में भी नहीं थे, इवन लेफ्ट के अंदर जो एक्सट्रीम लोग हैं वो भी सेंट्रिस्ट ही कहते थे हम लोगों को। वो कहते थे कि ये सीपीआई जो है ये लेफ्ट का कांग्रेस है, या ज़्यादा अगर थ्योरेटिकल बात करते थे तो कहते थे कि ये एक रिविजनिस्ट पार्टी है, संशोधनवादी पार्टी है, भारत के कंडीशन के हिसाब से जो है इसमें मार्क्सवाद लेनिनवाद को बहुत संशोधित कर दिया है। तो एक्सट्रीम तो सर तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है, और आगे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत का जो स्वभाव है, भारत का जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है, जो भारतीयता है, वो किसी भी भारतीय नागरिक के अंदर होता है। और मेरे ख्याल से भारत में कभी भी अतिवाद को स्वीकार नहीं किया गया है, इसीलिए कहा जाता है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, और मेरे ख्याल से हम लोग अति के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, तो अति अतिवादी तो नहीं हो सकते। कन्हैया जी, आपके बारे में सबसे पहले ध्यान में आता है जब आपने जेएनयू में जब आज़ादी भाषण दिया था, उस समय से लेकर अभी तक जो चेंज आया, फिर बेगूसराय में चुनाव भी लड़े, उस दिन को कैसे याद करते हैं आप? वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे ख्याल से जिन लोगों को भी स्कूल कॉलेज जाने का मौका मिलता है, यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलता है, ये इस देश में बड़े सौभाग्य की बात है। हालांकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, सब लोगों को ये मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि मात्र 3% लोग जो है इस देश में हायर एजुकेशन को परस्यू कर पाते हैं। जैसे मेरे ही साथ स्कूल में पढ़ने वाले जो हमारे बचपन के दोस्त थे वो उस वक्त ही या तो नौकरियों में जाने लगे या छोटा मोटा कोई काम धंधा करने लगे। मेरे साथ पढ़ने वाला जो हमारा सबसे अच्छा साथी था, सबसे तेज़ था क्लास में, लेकिन बहुत गरीब था, और इस वजह से जो है वो साइकिल की दुकान पे पंक्चर लगाने का काम करना शुरू कर दिया था। अब उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं। तो इस देश में हायर एजुकेशन में जाना जो है एक सौभाग्य की बात है, एक प्रिविलेज की बात है, ये प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। एजुकेशन जो है ना वो प्रिविलेज नहीं है, वो राइट है, बेसिक फंडामेंटल राइट है। और आप जानते हैं कि पिछले यूपीए सरकार में ही जो है राइट टू एजुकेशन के तहत जो है इसको राइट की कैटेगरी में लाया गया है, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राइट की भाषा के चलते, राइट्स देने के चलते, राइट्स के चक्कर में देश पीछे रह गया। तो लोगों के अधिकारों को समाप्त करके देश कहाँ आगे चला जाएगा, यह बात समझ में नहीं आती है। तो मैं मानता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ा अच्छा अवसर था, हम जो है देश की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़े, वहाँ पे जो है एडमिशन हुआ, देश को दुनिया को समझने का मौका मिला। जिस वक्त मैं विद्यार्थी था और थोड़ा थोड़ा छात्र राजनीति से भी जुड़ गया था, तो मुझे याद है कि उस वक्त 100 से ज़्यादा देश के विद्यार्थी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अब बाकी अगर हम विचारधारा को छोड़ दें, पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ दें, तो आज भी इस देश के निर्माण में उस विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। इवन इस सरकार का भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो अब भी जो है कई मिनिस्टर जो है वहीं से पढ़े हुए हैं, कई डिपार्टमेंट के जो है सेक्रेटरीज हैं, नोबेल लॉरिएट्स हैं। आपको पत्रकारिता में ही अभी एक साथी मुझे रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि मैं वहीं से पढ़ा हूँ। तो हर स्फीयर ऑफ लाइफ में जो है आपको वहाँ के लोग मिलेंगे। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे अहम कालखंड था जहाँ हमको दुनिया को, देश को और समाज के कई सारे पहलुओं को समझने का मौका मिला। राइटिंग वाले, अब इसको एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से कितना बुरा लगता है? नहीं, ये सर बैज ऑफ ऑनर है,
ये बुरा लगने वाली बात नहीं है। ये बैज ऑफ ऑनर इसलिए है कि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं जिसको लेकर के आप कन्विंस हैं, आपको लगता है कि ये सही है, तो उस काम से जिनको फ़र्क पड़ता है स्वाभाविक रूप से उसके बारे में बुरा भला ही कहेंगे। मान लीजिए कि कोई मुझे अपना दुश्मन समझता है तो मेरी प्रशंसा तो नहीं करेगा ना, मेरे बारे में वैसी बातें बोलेगा जिससे मुझे तकलीफ़ पहुँचे। और मुझे लगता है कि कोई अगर आपको तकलीफ़ पहुँचाना चाहता है तो उसकी पहली शर्त यह है कि आप तकलीफ़ महसूस ना करें। और बैज ऑफ ऑनर हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आज के डेट में सरकार से जो भी सवाल करें, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या ना हो, किसी भी समाज के किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको ये बैज ऑफ ऑनर दिया जाता है। कुछ दिन पहले किसानों को दिया जा रहा था, कुछ दिन पहले पत्रकारों को दिया जा रहा था, उससे कुछ दिन पहले जो है विद्यार्थियों को दिया जा रहा था। अलग अलग तबके को अलग अलग समय पर जो है ये सरकार देती रहती है। मेरे ख्याल से ये इमोजी का दौर है सर, आपके मोबाइल में भी इमोजी होगा, बहुत आसान है। लोग कहते हैं पहले इंट्रोवर्ट होते थे, एक्सट्रोवर्ट होते थे, आजकल लोग टेक्स्टोवर्ट हो रहे हैं, तो बहुत आसानी से जो है किसी के ऊपर कोई इमोजी चिपका दिया जाता है। ये सरकार स्टिकर लेकर के घूम रही है, आप जिव ही उनके उनसे मतलब इतर कोई बात करेंगे, उनके खिलाफ बात करेंगे, उनके मन की बात नहीं करेंगे, देश के जन की बात करेंगे, तो बहुत आसानी से ये स्टिकर चिपका दिया जाता है। मैं सबको कहता हूँ कि आज इस दौर में अगर आपको एंटी नेशनल नहीं कहा जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आप नेशन के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर इस नेशन के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है ये बैज ऑफ ऑनर जो है आपके पीठ पे चिपकाया जाएगा। कन्हैया जी, चुनाव का माहौल है, 19 से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं शुरू, आज पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी कांग्रेस ने रिलीज किया जी, न्याय पत्र जी, न्याय पत्र। तो इस माहौल में बीजेपी स्लोगन्स दे रही है 400 पार, अब की बार 400 पार, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस या अपोजिशन इस परसेप्शन वॉर में कहीं पीछे रह गई है? या आप तो पूरे देश में गए हैं, विजिट किया है, तो आपको क्या लगता है माहौल क्या है? थोड़ा ठहर करके अगर इसको सोचेंगे ना, तो इस बात में ही जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की एक हताशा झलकती है, हार का एक डर झलकता है। क्योंकि आपने कभी सुना है कि इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेलने के लिए गई हो ऑस्ट्रेलिया के साथ और मैच से पहले कह रही हो कि 400 पार? नहीं कहती है, कहती है अच्छा खेलेंगे, बढ़िया बॉलिंग करेंगे, बढ़िया बैटिंग करेंगे, बढ़िया फील्डिंग करेंगे, सारे जो है हमारे सेगमेंट के लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे। 400 पार, 500 पार ये सब नहीं बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, परसेप्शन। परसेप्शन मैनेजमेंट से रियलिटी को अल्टर करने की कोशिश की जा रही है, मतलब परसेप्शन के आधार पर वास्तविकता को बदलने का, उसको मैनिपुलेट करने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। अगर 400 पार हो ही रहा है तो मुझे बताइए कि फूके हुए कारतूसों को अलग अलग जगह से अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने का क्या मतलब है, क्या ज़रूरी है? मान लीजिए कि आप अगर मैच जीत रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को जो है घूस देने का क्या ज़रूरत है, या उसके जो रिटायर्ड प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए कि मैं अगर कांग्रेस में रह करके चुनाव नहीं जीत रहा हूँ तो मेरी क्या उपयोगिता है भाजपा में? वो भी मतलब अगर मैं बिहारी भाषा में बोलूँ तो इसको कहते हैं थूक के चाटना, जिसको कल तक आप क्या बुरा भला नहीं कह रहे हैं। मेरे साथ के लोग मेरे ही साथ बैठते थे, मेरे ही साथ घूमते थे, उनको भी ये एंटी नेशनल शब्द कहा जाता था। बीजेपी में है बढ़िया जो है अलग अलग पता नहीं कहाँ से लाते हैं, कोई मतलब हो सकता है भाजपा को जो है ना बेशर्मी का खदान हाथ लग गया हो कि जब मौका मिलता है तब थोड़ा खोद के ले आते हैं बेशर्मी। कि कल तक आप जिसको गाली दे रहे हैं आज जो है आप उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। कल जो है मतलब मुर्गे की तरह लड़ रहे थे स्टूडियो में बैठ करके एक दूसरे से, अब एक तरफ जा करके बैठे हुए हैं। तो ये 400 पार का कॉन्फिडेंस है, ये धोखा है, ये आत्मविश्वास नहीं है, ये देश को धोखा देने का एक कुत्सित प्रयास है। और ये इसलिए कहा जा रहा है ना कि इस 400 की संख्या में ना इस देश के हजारों सवाल को गायब कर दिया जाए। 400 की बात हो, कोई ये पूछे ही नहीं कि पेट्रोल 100 के पार क्यों पहुंच गया है, कोई ये पूछे ही नहीं कि महंगाई जो है वो इतनी क्यों बढ़ गई है, क्यों देश में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, क्यों एक तरफ तो हम दावा कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बन जाएगी, तो इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको आप मतलब पीठ थपथपा रहे हैं खुद का ही कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं? तो
तो एक तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग लाइन में लग करके 5 किलो अनाज ले रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा अगर आपके पास पैसा है, आपने धन कमा लिया है, आप दिल्ली में रहते हैं, बढ़िया वसंत विहार में आपका घर है, आपको कहेंगे कि आप जा करके मुनिरका में जन वितरण प्रणाली की दुकान में लाइन लग करके 5 किलो अनाज लीजिए, आप लेंगे? नहीं लेंगे। तो ये जो वास्तविकता को छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसी में बार बार बोल रहा हूँ। और अंतिम और ज़रूरी बात, मैं समझता हूँ कि ये देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। देश के लोग चुनेंगे, 400 क्या 543 जीत जाएं आप, लेकिन क्या इस देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है जिनको मत देना है, जो जा करके वोट देंगे? तो 400 पार हो ही गया है, तो फिर क्यों 7 चरण में चुनाव करा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं? इसका मतलब ये एक परसेप्शन मैनेजमेंट का गेम है, और कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को याद कर रही है कि इसी तरह का एक परसेप्शन मैनेजमेंट करने का कोशिश किया गया था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो है देश के प्रधानमंत्री थे, और एक नारा दिया गया था, फील गुड इंडिया, साइनिंग इंडिया, और ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे ज़्यादा सीट जीत करके वो आ रहे हैं। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि NDA की जगह UPA की सरकार बन गई। तो ये एक शेयर अटेम्प्ट है इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का। लेकिन कांग्रेस के लोग भी तो अपने इस शिकार बनते जा रहे हैं, इस परसेप्शन के छोड़ते जा रहे हैं, पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं बीजेपी में। मे भी नेता कांग्रेस जो है ना, वो जो 10-20-50 लोग हम लोग AICC में हैं, वही कांग्रेस नहीं है। कई बार हम कांग्रेस को समझने में गलती करते हैं। जो कन्हैया जी आपने, मैं इनका सवाल का एक शब्द में उत्तर दे देता हूँ। कांग्रेस सिर्फ वही नहीं है कि हम कुर्ता धोती पहन करके AICC आते जाते हैं, वही कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस इस देश का जो मॉडर्न स्टेट है उसकी हिस्ट्री को अपने आप में समाहित करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि हेडगेवार भी कभी जो है वहाँ रहे थे। तो कांग्रेस का इतिहास इतना छोटा नहीं है, इतना रिड्यूस कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जब कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में है, तब भी जो है हर साल कांग्रेस पार्टी का सीट बढ़ रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोग ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, कुछ अवसरवादी लोग हैं, या तो जो है उनको लालच है, या तो जो है वो डर रहे हैं। दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है। माइट बी वो इस गेम में, इस ट्रैप में फंस रहे हों। कन्हैया जी, 2 questions हैं। वन इज जो आज़ादी का, दैट यू नो आई स्टिल रिमेंबर, जोर से बोलो आज़ादी। इट्स बीन अ वेरी एंड्यूरिंग इमेज अक्रॉस द कंट्री, वेदर फ्रॉम केरला और गुजरात। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट यू, जोर से बोलो आज़ादी, दैट्स वेरी एंड्यूरिंग इमेज। सो दैट स्लोगन, इज इट स्टिल रेलेवेंट टुडे? नंबर वन। नंबर टू, व्हाट्स योर पॉलिटिकल रोड मैप? Yes, sir. Yes, it is still relevant. And even I tell you on camera officially, in movements, आंदोलनों में मैं जो आज भी इस स्लोगन को गाता हूँ, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जब समाज में अंधेरा बढ़ रहा हो तो रोशनी की बात करनी चाहिए। ब्रेख्त ने एक बार ये लिखा था कि क्या अंधेरे समय में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, अंधेरे समय के ही गीत गाए जाएंगे। जब लोगों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया हो, हमको अपनी हिस्ट्री थोड़ा सा देखना चाहिए कि वी वर सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, देन वी बिकेम सिटीजन। नाउ द एंटायर सिस्टम हैज़ बीन ट्राइंग टू रिड्यूस अस इनटू नंबर्स। नंबर में सब कुछ हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके ही फील्ड से जुड़ा हुआ, आप बहुत अच्छा स्टोरी करके लाइए, उस पर अगर हिट्स नहीं हैं, लाइक्स नहीं हैं, व्यूज़ नहीं हैं, तो एडिटर साहब कहेंगे कि नहीं चलाएंगे। नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो बार बार हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या सिटीजन होने का मतलब अपने आप को सिर्फ नंबर में रिड्यूस करना है? क्या सिटीजन होने का ये मतलब नहीं है कि हमारे लिए ईच एंड एवरी नंबर इम्पॉर्टेंट है? और जो हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ संख्या नहीं है, हम इंसान हैं, और हर इंसान का अपना एक इतिहास है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, उसका एक पहचान है, उसके एक अधिकार है, उसके एक कर्तव्य है। तो ये पूरा का पूरा जो रिड्यूस किया जा रहा है इस देश की डेमोक्रेसी को, मैं समझता हूँ कि लोगों को मानसिक तौर पे फिर से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। सरप्राइजिंगली, आप मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ बैठे हैं हमसे थोड़े सीनियर ही हैं, लोग ना आज सरकार से सवाल करना भूल गए, विपक्ष से सवाल करते हैं। पहले सरकार से सवाल किया जाता था, अब विपक्ष से सवाल किया जा रहा है। तो सब कुछ ना पलटा जा रहा है, सब कुछ घुमाया जा रहा है। एक बार मैंने कहा कि नेहरू जी को आज इतनी गालियाँ देते हैं भाजपा वाले, नेहरू अगर इस देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं होते
तो मोदी जी भी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। झूठ ही सही, कहते हैं कि हमने चाय बेचा था, बेचा कि नहीं बेचा वो तो नहीं मालूम, देश बेच रहे हैं वो आँख से देख रहे हैं। तो वो जो है आज देश के प्रधानमंत्री अगर हैं तो उस चलते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी थी, इस देश के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जो फिगर्स हैं, उन्होंने इस देश की संकल्पना की कि सबके अधिकार बराबर होंगे। ऑफिस में भले हम सब बराबर नहीं है, हायरार्की है, प्यून हैं, एडिटर हैं, सब एडिटर हैं, कैमरा पर्सन हैं, अब तो कैमरा पर्सन कहते हैं, पहले तो कैमरा पर्सन का नाम भी नहीं लेते थे, सिर्फ संवाददाता अपना ही नाम बोलते थे। तो स्लोली ग्रेजुअली हम ये देख रहे हैं कि जो इक्वलिटी का एक सेंस आया एज ए इंडियन सिटीजन, उस इक्वलिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जब अंधेरे की बात हो रही हो तब रोशनी की बात करना ज़रूरी है, जब गुलामी की बात हो रही हो तब आज़ादी को ज़ोर से बोलने की ज़रूरत है। और हम बार बार कहते हैं कि आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो हम देश में ही आज़ादी की बात करते हैं, देश के अंदर जो समस्याएं हैं हम उससे आज़ादी की बात करते हैं, और ये हमेशा रिलेवेंट रहेगा। फ़र्ज कीजिए कि कल को हमारी सरकार आ जाए और हमसे भी कुछ गलती होने लगे, तब भी कुछ नौजवान जो है ना सड़कों पे निकल आएँ झंडा लेकर के और आज़ादी का तराना गाने लगें, ऐसा माहौल देश में रहना चाहिए। तो ये आज भी रेलिवेंट है, ये कल भी रेलिवेंट रहेगा, जब जब गुलामी सर उठाएगी तब तब आज़ादी का रेलिवेंस रहेगा। और दूसरा जो आपने पूछा कि जर्नी को आप क्या देखते हैं, सर एक लाइन में अगर कॉन्क्रीट करके बोलें तो हम सिंपली यही देखना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहते हैं। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, इंडिविजुअलिस्टिक होकर के बोल रहा, इस देश में अगर सिस्टम नहीं होते, वेलफेयरिज्म नहीं होता, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, तो सर लटियंस में, सेंट्रल दिल्ली में आप सब प्रबुद्ध लोगों के बीच में भी नहीं बैठा होता इस हॉट चेयर पे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिस्टम मेड बाय जो हमसे पहले के लोग थे, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारी पूरी जर्नी और हमारी पूरी लड़ाई यही है ना कि जो हमको मिला है हम चाहते हैं कि आगे आने वाले जनरेशन को भी मिले। कन्हैया जी, एक राजनीतिक लीडर के तौर पे नहीं, एक युवा नागरिक के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार की कोई भी एक काम जो आपको पसंद आया हो, एटलीस्ट वन वर्क। और सवाल दूसरा है कि क्या विजेंद्र सिंह, गौरव वल्लभ और संजय निरुपम ये सब फूके हुए कारतूस थे आपके लिए? मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जो है टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी संस्कृति के ख़िलाफ़ है। मैं भी जो है किसी पार्टी में था पहले, लेकिन मैं कभी भी जो है उस पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलता हूँ। आपकी शादी हो गई, आपकी परिस्थिति है, आपको नौकरी कहीं और मिली है, आप शहर बदल लिए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि परिवार को, रिश्तेदार को, माँ बाप को गाली देने लगे। तो अपने इतिहास को गाली नहीं देना चाहिए। वो कल भी हमारे कुलीग थे, हमारे साथ काम कर रहे थे, हम भी अगर आज यही भाषा बोलेंगे तो हम में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं हो जाएगा। फूका हुआ कारतूस हम इस मुहावरे का इस्तेमाल किए कि जो यहीं नहीं जीत पा रहे हैं उसको लेकर के मोदी जी कौन सी लड़ाई जीत लेंगे, मतलब वो सिर्फ परसेप्शन का जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, रियलिटी में उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उल्टे जो उनके कार्यकर्ता हैं 20 साल 25 साल झंडा उठाए रहे उस दौर में जब उनकी हेजमनी नहीं थी, जब उनके दो सांसद थे, ठीक है ना, तब भी वो झंडा लेकर के जंतर मंतर पर आते थे और बोट क्लब के पास प्रोटेस्ट करने आते थे। आज वो कार्यकर्ता जरूर ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोगों को 100 से ज़्यादा लोग दूसरी पार्टियों से ला करके आपने टिकट दे दिया है। तो उनको लग रहा है कि संघर्ष के दौर में हम थे, दरी हम बिछा रहे थे, जब कुर्सी सज गई है तो कहीं और से लोगों को ला के बिठा दिया गया है। मेरा ये कहने का तात्पर्य था। और दूसरा आपने क्या, मोदी जी, हाँ, एक काम पिछले 10 साल में जो आपको, मोदी जी ने एक काम अच्छा किया है, मैं इसको हर जगह बोलता हूँ कि राजनीतिक अनुशासन के नाम पे जो हिपोक्रेसी होती थी ना, मोदी जी ने कम से कम जो है ना उसको आमने सामने ला दिया है, पर्दा हटा दिया है। और मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा हुआ है। अच्छा इसलिए हुआ है कि हिपोक्रेसी से अल्टीमेटली जो है डेमोक्रेसी को नुकसान ही हो रहा था, तो मोदी जी जो है आज एकदम उसको साफ कर दिए हैं। मतलब आज की तारीख में विचार, संगठन, अनुशासन, उसके नाम पे जो एक 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 कोटरी जो है ना, एक खेल करती थी राजनीति में, कम से कम उसको उन्होंने बिल्कुल आमने सामने कर दिया है। सीधा रास्ता है, बीजेपी का दरवाज़ा खुला हुआ है, हमारी सीनियर हैं जो है अर्थशास्त्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। मतलब कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनाना है, कांग्रेस युक्त भाजपा बनाना है, जितना कांग्रेस के लोग हैं आ जाएगी। तो उन्होंने बिल्कुल ना
कहा कि जो है ये क्या है, पावर की लड़ाई है, इसमें बिना मतलब का जो है विचार, नैतिकता और अनुशासन ये सब मत कीजिए, आमने सामने की बात है, या तो हमारे साथ हैं या आप जेल में। ये हिपोक्रेसी जो है उन्होंने कम से कम ख़त्म कर दिया है। अब लोकतंत्र के लिए, इस देश की जनता के लिए, उसकी चेतना के लिए चीज़ें बिल्कुल साफ हो गई है। देर सवेर बस ये समझने की बात है, फिर देश फैसला लेगा, देश को जो अच्छा लगेगा वही होगा। कन्हैया जी, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नॉर्थ इंडिया में राम मंदिर की एक लहर है जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक इससे कैसे डील करेगी? एक तो कांग्रेस को इससे डील करने की क्या ज़रूरत है, राम जी की अगर लहर है देश में तो कोई बुरी बात तो है नहीं। बुरा तब होता जब नाथू राम की लहर होती, समझ रहे हैं? पहले ये तय कर लीजिए कि राम की लहर है कि नाथू राम की लहर है, पहले ये तय करना है। मुझे लगता है कि बीजेपी जिसको प्रचारित कर रही है ना, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। राम जी त्रेता युग में हुए थे, बीजेपी 1980 में बनी है, और बीजेपी ये चाह रही है कि इस देश के राम के जो मानने वाले लोग हैं ना, उनको कैसे ठगा जाए। मतलब नाम लिया जाए राम जी का और काम किया जाए नाथू राम का। ये जो खेल है, इस खेल से बीजेपी को फायदा है, और हमको लगता है कि ये इस देश की संस्कृति, इतिहास और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के खिलाफ है। खिलाफ इसलिए है कि अगर हम राम जी की संकल्पना को इस देश में देखें तो बहुत रचे बसे हैं। इंसानों के नाम हैं उनके नाम पर, जगह का नाम है उनके नाम पर, और संस्कृति में देश के अलग अलग हिस्सों में जब आप घूम करके देखेंगे तो किसी ना स्थान पे जो है ना रिड्यूस्ड उनको नहीं किया जा सकता है। मतलब ये नहीं कि एक स्थान पे उनको रिड्यूस कर दिया जाए, जैसे दूसरे धर्मों में ये है कि कोई स्थान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हिंदू धर्म में सब स्थान इम्पॉर्टेंट होता है और सब भगवान इम्पॉर्टेंट होते हैं। राम जी भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, शिव जी भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, विष्णु जी भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, ब्रह्मा जी भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए हिंदू धर्म जो है दुनिया के और दूसरे धर्मों से अलग है। हुआ ये है कि इस देश में जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक्चुअली उनके साथ जो है छलावा किया जा रहा है। एक्चुअली उनके साथ जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए उस धर्म की जो विराटता है, उसका जो विस्तार है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। और राम जी की संकल्पना में कहीं भी किसी और से नफरत की कोई जगह नहीं है। तो राम जी के नाम से इस देश की संस्कृति और इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है। इसमें चिंताजनक बात सिर्फ ये है कि नाम राम जी का लेकर के नाथू राम की जो सांप्रदायिकता है, जो बंटवारा है, पहचान के नाम पे समाज को बांटने की, लड़ाने की जो राजनीतिक चाल है, ये खतरनाक है। और इस राजनीतिक चाल को हम समझ रहे हैं, राम जी के लहर से कोई दिक्कत नहीं है। राम का नाम त्रेता युग से चलता आ रहा है, बीजेपी के पैदा होने के पहले से चलता आ रहा है, और बीजेपी जब समाप्त हो जाएगी तब भी इस देश के संस्कृति और इतिहास के साथ चलता रहेगा। ये आप क्योंकि लेफ्ट पार्टी से आते हैं और लेफ्ट पार्टीज की CPI या CPM की, उनकी कार्य संस्कृति और कांग्रेस की कार्य संस्कृति में बहुत फर्क है ऐसा मुझे लगता है। तो आप किस तरह, मतलब लेफ्ट से कांग्रेस में आने के बाद आपने अपने को कुछ बदला है वहाँ आके, या कांग्रेस की कार्य संस्कृति और लेफ्ट पार्टीज की कार्य संस्कृति में आपको किसी तरह का फर्क दिखा है, किस तरह से कोप किया? ऑन लाइटर नोट सर, बदलाव के लिए कई बार ना कुछ करना नहीं पड़ता है। एक और आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, तो इसको इस या तो परसेप्शन कह लीजिए या सच्चाई कह लीजिए, उसको कैसे आप सुलझाएंगे? ये बेईमानी है सर इस बात को कहने में। बेईमानी ऐसे है, अव्वल तो अगर इसको मान लें कि परिवारवाद जैसा कोई चीज़ है तो हम सब परिवारवादी हैं। मतलब आप भी जो घर बनाए हैं वो आपके ही बच्चों को मिलेगा, ये रियलिटी है हर सेक्टर में। राजनीति में जिस आधार पे इसको प्रश्न किया गया कि भाई एक व्यक्ति निर्धारित करते हैं हर चीज़ को और वही पूरा पार्टी चलाते हैं, ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं है। इसीलिए तो मैं आज का ब्रेकिंग न्यूज है, आपको याद होगा VIP नाम की एक पार्टी है बिहार की, पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चले गए थे और आज जो है वो फिर अलायंस में आए हैं। तो राजनीति होता ही है सर अंतर विरोधों का सामंजस्य। टू कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों को एक साथ मिला करके कोई रास्ता निकाला जाए, उसी का नाम राजनीति है। नहीं तो धूर विरोधी लोग जो है एक साथ कैसे बैठ जाते हैं?
तो या तो उस लेंस से हम सब परिवारवादी हैं, या फिर इस लेंस में कोई दोष है, कोई बेईमानी है, और ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है किसी भी इंसान और वो इंसान की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो पहचान है, उसको नीचा दिखाने का। और कांग्रेस पे जो परिवारवाद का आरोप लगता है, तो मैं पूछता हूँ कि ये सिर्फ गांधी नेहरू परिवार तक ही यह बात सीमित है कि बाकी नेताओं पर भी लागू होता है? अगर ये बाकी नेताओं पर भी लागू होता है, तो मेरा एक सीधा सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जब तक कांग्रेस में थे तब तक परिवारवादी थे, ज्यों ही भाजपा का पट्टा पहन लिए तो जो है अब वो राष्ट्रवादी हो गए, समाजवादी हो गए, संघवादी हो गए। तो संघ परिवार भी क्यों कहता है कि संघ परिवार है? क्या हम लोग एंटी फैमिली हैं? और किसी भी सेक्टर को उठा करके देख लीजिए, मैं किसी पर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ, बिजनेस टाइकून से लेकर के फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के एकेडमिया, मीडिया, कहीं भी जा करके देख लें, तो या तो हम सब परिवारवादी हैं, या परिवारवाद अगर गलत है तो सब के लिए गलत है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का परिवारवाद गलत है और भाजपा का परिवारवाद सही है। जैसे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भाजपा के नेता हैं, आते हैं और भाषण देते हैं, ठीक है, और परिवारवाद पे बोलते हैं। मैं सोचता हूँ कि इनको अपने ही पिताजी का नाम याद है कि नहीं है, जब ये बात ये बोल रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी। उनके पिताजी जनसंघ के बहुत बड़े लीडर थे, और भाजपा के एक एक लीडर को उठा करके देख लीजिए, पीयूष गोयल के पिताजी कौन थे, अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन हैं, उत्तराखंड की जो स्पीकर हैं उनके पिताजी कौन थे, तमाम लोग। अब तो उनके बच्चे बड़े हुए हैं सर, या तो हमारी सामाजिक नैतिकता ही बिगड़ी हुई है, पूरा का पूरा हमारा जो है लेंस ही खराब है, या फिर ये जो मतलब कहते हैं कि अलग से हटा करके सब कुछ अलग करके किसी के ऊपर दोषारोपण करना, मुझे लगता है कि उस पृष्ठभूमि के लिए, उस परिवार का, इस देश के लिए जो योगदान है उसको कम करके देखा जा रहा है। दो दो प्रधानमंत्री ने जान दे दिया, अब हम क्या चाहते हैं यहाँ सर? इस दौर में अभी तो मोदी जी जान ले भी नहीं रहे हैं लोगों का, कि थोड़ी सी जो है तापमान बढ़ी नहीं, थोड़ा सा एजेंसी का धमकी आया नहीं, कि रात को जो है रिट्वीट करके सोते हैं कांग्रेस के लिए, सुबह पार्टी बदल लेते हैं। उस दौर में दो प्रधानमंत्री ने अपना जान दे दिया, नेहरू को क्या जरूरत थी सर 15 साल जेल में रहने की? वो मोतीलाल नेहरू का बेटा थे। तो जो त्याग है, समर्पण है देश के लिए, उसको इतना रिड्यूस कर दिया गया, और अपनी बारी जो ही आ रही है उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। उस पर प्रधानमंत्री ने कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहा, कहा कि हमारे नेता जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनके परिवार के एक से ज़्यादा सदस्य अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बात स्वीकार कर लीजिए, लेकिन आपके लिए अगर यह सही है तो दूसरे के लिए गलत कैसे है? जो कुछ सरकार से जेन्यून सवाल पूछते उसके ऊपर तमाम तरह के जो है लांछन लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि नैतिकता का ये पैमाना नहीं हो सकता है कि जो आपके लिए गलत है वो जो है हमारे लिए सही है, और जो हमारे लिए गलत हुआ आपके लिए सही हो जाता है, ये बेईमानी है। उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो उनका ये कहना है कि कोई पार्टी प्रेसिडेंट है लेट से, कि ये पहले से तय नहीं होता कि इनका बेटा ही पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा। मैं चाहता था सर आप ये सवाल पूछें, मैं अपने से इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। तो एक बात बताइए, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इसका फैसला कौन लिया? मोदी जी लिए ना। खट्टर साहब को रात को सोए थे मुख्यमंत्री बन के, सुबह उठे तो नहीं थे, और मैं इसे आपको 50 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका फैसला कहाँ लिया जा रहा है? बीजेपी की मीटिंग में लिया जा रहा है। टिकट दे करके टिकट वापस करा दिया गया, वो भोजपुरी का एक सिंगर है, इसका फैसला कौन ले रहा है? उल्टे ही तो ज़्यादा खराब चीज़ है ना। कम से कम परिवार होगा सर तो पत्नी डांटेगी ना, बेटा बेटी कहेगा ना कि पापा गलत कर रहे हैं। व्यक्तिवाद तो ज़्यादा खतरनाक है ना, फिर ज़्यादा डेंजरस चीज़ है ना, कि एक व्यक्ति सारा फैसला ले रहा है। बताइए, मोदी जी के बराबर के व्यक्ति थे ना, जितना बार मोदी जी मुख्यमंत्री रहे उससे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहे, क्या उनमें कोई योग्यता नहीं थी? मोदी जी खुद हट जाते प्रधानमंत्री पद से, उसको प्रधानमंत्री बना देते, तब न समझते कि नहीं भाई परिवारवाद और व्यक्तिवाद नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि परिवारवाद से भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है व्यक्तिवाद। परिवार होता है सर, जानते हैं, संतुलन रहता है जीवन में। कोई कहता है रात को काम करके लौटिएगा, कुछ खड़ा करके जाइएगा, तो कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो? आगे नाथ ना पीछे पगा, कोई पूछने वाला है नहीं, जो मन सो कर रहे हैं। ये तो और डेंजरस परिवारवाद है सर, कम से कम उस परिवार में तो ब्लड रिलेशन होता है। ये बताइए, इसी चीज़ की आगे की कड़ी है, तो आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को इलेक्शन लड़ना चाहिए? मतलब सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को नेताओं की ज़रूरत है, जोश की ज़रूरत है, तो प्रियंका गांधी को
इलेक्शन लड़ना चाहिए इस बार? सर ये जाते हैं ICC पूछिए कितना लोग जो है वहाँ बायोडेटा लेकर के घूम रहा है। इलेक्शन लड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। रही बात आप किसी लीडर के बारे में पूछ रहे हैं उनको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, पार्टी का अपना एक फोरम है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में लोग जाते हैं और पार्टी जिनको जो जिम्मेवारी देती है उसका निर्वहन करते हैं। पार्टी उनको कहेगी लड़ना चाहिए तो लड़ना चाहिए, पार्टी कहेगी नहीं लड़ना चाहिए तो नहीं लड़ना चाहिए। अब इसका फैसला हम लोग जो है PTI के ऑफिस में बैठ के तो नहीं ले सकते हैं। कन्हैया जी, मनोज तिवारी को आप टक्कर देने जा रहे हैं दिल्ली में? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास जानकारी है आपका अनाउंस। हम मोदी जी को टक्कर देंगे। मनोज तिवारी क्यों बेचारे नहीं, नहीं, नॉर्थ ईस्ट से आपका नाम अनाउंस होने जा रहा है। वो ठीक बात है, हर सीट पे मोदी जी से लड़ाई। सवाल बिहार को लेकर, मेरा सवाल बिहार को लेकर है, आप बिहार से आते हैं। पहला सवाल ये कि क्या आप बिहार से चाहते थे चुनाव लड़ना, खासकर बेगूसराय से? दूसरा सवाल उससे रिलेटेड ये है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आपको लेके इतने असहज क्यों हैं? क्या तेजस्वी की वजह से लालू प्रसाद डरे हुए हैं कि आप कहीं उनकी इमेज को डाउन न कर दें? इस धारणाओं पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैंने दोनों सवाल पूछे। अव्वल तो मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि जिनके पिताजी माताजी मुख्यमंत्री रहे हैं वो जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है। इससे पहले जो है वो कुछ महीने पहले ही जो है डिप्टी CM थे। तो हमारा मतलब इतना नहीं है कि वो हमसे डर जाएं। उनको अगर डरना होगा तो जो है वो जो है जो इस देश में शासन है, जो परिस्थिति है, उससे डरने की ज़रूरत है, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि आपने कहा कि आप चाहते थे बेगूसराय से लड़ना। देखिए एक ना सिंपल सी बात है, ह्यूमन नेचर है, जो रास्ता आपको मालूम होता है ना आप बार बार वही रास्ता चलना चाहते हैं। आप कहीं और जो है ना थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है। अब जैसे मैं पहली बार जब दिल्ली भी आ रहा था ना पढ़ने के लिए, मैं दिल्ली 2009 में आया, तो अब मैं जितना बिहार में रहा हूँ उससे ज़्यादा जो है मैं बिहार से बाहर रह लिया हूँ। तो पहली बार दिल्ली आने में ही जो है ना घबराहट हो रही थी। उधर दादरी ही पहुँचे थे तो लगा था कि दिल्ली आ गए हैं, झोला वोला उठा लिए थे, फिर लोग कहा कि अभी वक्त है रुक जाओ अभी दिल्ली नहीं आई है। तो किसी भी नए जगह पे जाते हैं, नए डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो आपको रास्ता मालूम नहीं है, लोग नहीं मालूम है, संस्कृति मालूम नहीं है। बस में चढ़ते थे और जो है ना कंडक्टर कहता था बिहारी हो, तो सोचते कि इसको कैसे पता चला। मेरे मन में यही सवाल रहता था, हम समझ ही नहीं पाते थे कि पूछ क्यों रहा है, ऐसा हमने क्या किया, हमारी ऐसी जो है क्या हरकत है कि इसको पता चल गया कि हम बिहारी, और खुश हो जाते थे आपको कैसे पता चला, समझ रहे। तो आप जो है कहीं नई जगह जब जाते हैं ठीक है तो स्वाभाविक रूप से फियर ऑफ अननोन होता है। और जहाँ आप गए हुए हैं, जो रास्ता आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए आप किसी मानसिक अवस्था में हों, आप यहाँ से जब निकलेंगे तो घर पहुँच जाएंगे, रास्ता नहीं भूलेंगे, आपको मालूम है। चाहे मैं और क्या बोलूँ, जो भी स्थिति परिस्थिति, मान लीजिए पार्टी से आप निकल रहे हो फिर भी घर ही जाएंगे। तो जहाँ हम पैदा हुए हैं, जो हमारा नेटिव प्लेस है, उससे एक इमोशनल लगाव भी होता है, एक ऑर्गेनिक रिलेशन भी होता है। आप लोगों को जानते हैं, सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे नहीं, आपको मालूम है ये चाचा का गांव है, ये फूफा का गांव है, उधर बुआ की शादी हुई है, वहाँ उधर जो है बहन का जो है ससुराल है, तो आप कंफर्ट फील करते हैं। लेकिन एज फार एज पॉलिटिकल बैटल का जो सवाल है, मैं अपने आप को कभी भी किसी जगह से रिड्यूस करके नहीं देखता हूँ। मेरे लिए राजनीति आज भी मुद्दा आधारित है, एक जो है एक कॉज के लिए हम लड़ रहे हैं, एक इशूज के लिए लड़ रहे हैं जो मेरे हाथ के में है। यही मेरा मतलब सपना है। ये जब बन रहा है, ये जब तैयार हो रहा था, जब ये पास हो रहा था, तो एक्टिवली जो है हम इसका हिस्सा थे। तो आज इसको लेकर के चुनाव में हम जाएं, वो जगह कोई भी हो, या बतौर उम्मीदवार जाएं या बतौर कैंपेनर जाएं, कैंडिडेट बन के जाएं या कैंपेनर बन करके जाएं, चुनाव हम ऑलरेडी लड़ रहे हैं, चुनाव में हम हैं, इस समर में हम शामिल हैं। पार्टी कहेगी, जिम्मेवारी दे देगी कि आपको चुनाव लड़ना है, तो 543 सीट जो है हमारे लिए बराबर है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक राष्ट्रीय पार्टी है, कहीं कह देगी चुनाव लड़ने के लिए तो लड़ेंगे। क्योंकि ये जो इन्होंने कहा था ना 400 वाला परसेप्शन, मुझे इस परसेप्शन की हकीकत जनता के बीच में लेकर के जाना है। इसीलिए पार्टी के आदेश की हम अवहेलना नहीं करेंगे, लेकिन स्वाभाविक बात है कि जहाँ जिस जगह को आप जानते हैं उसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं। कन्हैया जी, ये शुरुआत में आपने बोला कि देश ने अतिवाद को कभी पसंद नहीं किया है, और आपने ये भी बोला कि भाजपा एक अतिवादी पार्टी है। तो पिछले 10 सालों में हमने देखा है जितने भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पिछले 14 से ज़्यादा अच्छा 19 में किया, अभी भी एक चर्चा है कि शायद वो अच्छा करेंगे। बीच के जो असेंबली पोल्स में उसमें भी भाजपा ने कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा किया है। तो आपको क्या कारण है कि जो भाजपा की जो इतनी ज़्यादा एक
पॉपुलर एक्सेप्टेंस है जो इलेक्शंस में हम देख रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? और क्या एक इसी से रिलेटेड सवाल है कि क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडरशिप में कहीं क्या प्रॉब्लम रहा है कि एक जो सेंट्रिस्ट पार्टी थी आज की तारीख में 40-50 सीटों पर आप सिमट के रह गए हो? देखिए, दो अलग अलग सवाल हैं, स्वाभाविक रूप से जो है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है जुड़ा हुआ है। एक तो भाजपा के बारे में आपने कहा कि भाजपा एक अतिवादी पार्टी, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये भाजपा के ही कार्य करने के तरीके, जो उनकी कार्यशैली है और जो उनके स्लोगन है उसको भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक अतिवादी बात है। जैसे हमारे साथ एबीवीपी के कार्यकर्ता कहते थे कि खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती, पुकारती पुकारती माँ भारती पुकारती, मतलब खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती। तो हमारे जीवन में हम कभी हिंसक हो सकते हैं, हिंसक होना, अहिंसक होना, प्रेम होना, ईर्ष्या होना, शांत होना, उच्छृंखल होना, सब मानव के ही भाव हैं, सब हमारे ही भीतर हैं, दैवीय और दानवीय, सब गुण जो है भीतर में ही होता है। किस समय किस भाव और विचार को प्रोमिनेंस मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि बीजेपी वायलेंस को, हेटरेट को, डिविजन को प्रोमिनेंस देती है, उसके स्लोगन में, उसकी बात में, उसके भाषण में वो निकल करके आता है। गोली मारने की बात करना या जो है ख़त्म कर देंगे, रहना होगा तो झुकना होगा, इस तरह की भाषा जो है इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ आप गांधी एक विचार को लेंगे आप सामने, तो गांधी क्या कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, मतलब गोडसे को भी सन्मति मिले। तो इसमें क्या है ना कि सर्वधर्म संभाव है, एकता है, प्रेम है, इसीलिए जो है उस पार्टी को हम अतिवादी पार्टी कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, उसको सफलता क्यों मिल रही है? अव्वल तो इसमें जो पुरानी पार्टियां हैं, जो सत्ता में रहे हैं, उनकी विफलता को हम छुपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी विफलता है, ये बात हम ऑन कैमरा आपके सामने स्वीकार करते हैं। अगर हम अपनी चीज़ों को जनता तक, उनकी भाषा में, एक एक व्यक्ति तक ले करके जाते, भरोसा और विश्वास को अगर बना करके रखते, तो स्वाभाविक रूप से जो है लोग अतिवाद की तरफ नहीं जाते, क्योंकि अतिवाद इस समाज का स्वभाव नहीं है। तो समाज के तौर पे भी जब आप देखेंगे, जब कई बार लोगों को प्रेम, शांति, एकता, बराबरी, न्याय, ये शब्द जब खोखले लगने लगते हैं ना, मानवीय गुण जो आधार है मानव का, वो जब कई बार खोखला लगने लगता है, तो अतिवाद की तरफ जो है समाज थोड़ा बढ़ जाता है। आप अक्सर सुनते होंगे, हमको याद है स्कूल में कहता था कि परमाणु बम चला देना चाहिए, या कहता था कि मिलिट्री रूल हो जाना चाहिए, सारा नेता चोर है। जितना जो है आप 80 के बाद की फिल्में देखिएगा, तो जो टोपी थी ना, गांधी टोपी जिसको कहते हैं, अक्सर भ्रष्ट, बेईमान, देश को लूटने, उसका सिंबल के रूप में जो है उसको दिखाया जाने लगा। कहाँ तो जो है फिल्म बन रही थी जिसमें हम कह रहे थे कि जो है तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो वहाँ से समाज के तौर पे, देश के तौर पे जो हमारी यात्रा रही, उसमें समाज को जो रियलाइजेशन हुआ, उसको जो तकलीफ हुई, उसको जो दुख हुआ, कई बार ऐसा होता है, ये कहावत भी कही जाता है कि शेर से बचने के लिए जो है भेड़िए की मन में जो है घुस गए। हम एक परिस्थिति का वर्णन आपके सामने कर रहे हैं। तो अतिवादी विचार समाज में तब हावी हो जाता है जब मानवीय गुण का जो, मानवीय जीवन का जो आधार है, जो गुण है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो छीन पड़ने लगता है। तो ये एक सोशल पॉलिटिकल क्राइसिस है। दूसरा, बीजेपी का जो मतलब संगठन है, जो उसका कार्य करने का तरीका है, मुझे लगता है कि उसको ना थोड़ा ओवर रेटेड करके लोग बता रहे हैं। कैसे, मेरे बात में तर्क है। मेरा मानना है कि आज जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, 1980 का कार्यकर्ता उससे ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा अनुशासित, ज़्यादा मेहनती था, सफलता नहीं मिली। इवन उसका जो पैटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है RSS, 1925 के कार्यकर्ता में और 2024 के कार्यकर्ता में फ़र्क करके देख लीजिए। झोला लेकर के किसी भी कार्यकर्ता के घर में रुक गए, अभी जो है ली मेरिडियन से नीचे उतरते नहीं है, क्योंकि सत्ता आ गई है। तो ये फ़र्क आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अनुशासन, संगठन, कार्य करने का तरीका, उसको थोड़ा ना एग्जेजरेट करके बताया जा रहा है। अगर इसमें इतनी ही सच्चाई होती तो मैं एक सिंपल बात पूछता हूँ, यहाँ से शुरू किया था एक अकेला, पता चला 38 पार्टी जुटा लिया है, जिस मुख्तार अंसारी, उस पर एक तरफ तो डिबेट चल रहा है, दूसरी तरफ उनका लड़का जिस पार्टी से MLA है
वो पार्टी जो है एनडीए का हिस्सा है और अभी जो है उनके बेटा को जो है घुटने पे बिठा करके माफ़ी मंगवा रहा था, और जो माफ़ी मंगवा रहा था आदमी, मज़ेदार बात, क्या नाम है उनका, ब्रजेश पाठक, वो खुद बीएसपी में थे। तो प्रश्न ये है कि संगठन अगर इतना मजबूत है, अनुशासन इतना है, विचार इतना मजबूत है जिसको इतना एग्जरेट करके बताया जा रहा है, तो अन्य विचारों वाले लोग जिनको गाली दिया जाता था उनको आज क्यों शामिल कराया जा रहा है? आपको याद होगा एक जो है सपा के लीडर थे, पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कुछ कुछ कहा था, रम विस्की, वो भाजपा के नेता हैं अभी। तो ये बात मुझे लगता है कि थोड़ा एग्जरेट करके बताया जा रहा है। अगर देश के तौर पे, नेशन स्टेट के तौर पे अगर हम अपने इतिहास का मूल्यांकन करें तो गांधीवाद हमारे व्यवहार में जब कमज़ोर होगा ना तो गोडसेवाद मजबूत होगा। हमारे अंदर अगर असमानता के प्रति आकर्षण पैदा होगा तो अम्बेडकरिज्म कमज़ोर होगा। हमारे अंदर डर, लालच, बेईमानी अगर बढ़ेगा तो भगत सिंह का विचार जो है ना वो जो है थोड़ा छीन पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ और तर्क के साथ कह रहा हूँ कि इट इज़ मैटर ऑफ टाइम। अंततः समाज जो है प्रेम पर जाता है, समानता पर जाता है, को एग्जिस्टेंस पर जाता है, सहिष्णुता पर जाता है।